जिस पर विश्व भर की निगाहें टिकी हुई है। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल फाइट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 177 रन का टारगेट दिया है। कोहली ने धुआंधार पारी खेलते हुए 76 रन बनाए और अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए। और इस बीच बड़ी खबर और बड़ा अपडेट मिल रहा है, पहला विकेट गिर चुका है दक्षिण अफ्रीका का। जी हाँ, भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी, दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट गिर चुका है। बुमराह ने यह बड़ी सफलता दी लाई है, धुआंधार बल्लेबाजी बुमराह की ओर से और पहला विकेट यहां पर गिरते हुए। आपको बताते चले कि अक्षर पटेल ने 47 रन की पारी खेली है, जबकि विराट कोहली के बल्ले से रनों की बौछार हुई और कोहली ने 76 रन बना दिए। केशव महाराज और एनरिक नॉर्थिया ने दो दो विकेट झटके। कगिसो रबाडा और मार्को यानसन को एक एक विकेट मिले। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट भी गिर चुका है। खेल लगातार जारी है, मुकाबला बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है और विश्व भर की निगाहें इस क्रिकेट पर टिकी हुई है। सभी अपने अपने टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं और लगातार सुबह से प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। कहीं हवन यज्ञ किया जा रहा है तो कोई मंदिर पहुंचकर प्रार्थना कर रहा है कि टीम इंडिया जीत जाए। सर, ये जो जर्सी देख रहे हैं ना, ये 2023 से वो मलाल लेके बैठे हैं और ये 2024 में पूरा इच्छा पूरा करेंगे। बहुत अच्छा स्कोर है, आराम से फाइट देके जीतेंगे इसको। सर, सर बैटिंग बहुत बढ़िया था, कोहली ने जो बैटिंग किया है नो डाउट इज फैबुलस। उसने दिखा दिया कि जो वो फॉर्म था, फॉर्म मैटर नहीं करता इस गेम में, जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है मेरे लिए इनके लिए। सर हमारे पास तीन स्पेशल स्पिनर है और तीनों एक से बढ़ के एक है, उनके भी स्पिनर ही चले हैं। तो कॉन्फिडेंस है सभी क्रिकेटर्स के, जो फैंस हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो टारगेट दिया है वो बड़ा टारगेट है और पूरी उम्मीद है भारत के जीत की और मुकाबला बड़ा ही रोचक, लगातार बनाए रहेंगे इस पर नजर। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी